झारखंड के लिए आज बड़ा दिन इसको कह सकते हैं, सौभाग्य है क्या, जो देश के ऐसे महापुरुष है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है, मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहने हुआ करते हैं, और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देश में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे, और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी, यानी जिन्हें लोगों ने राज्य नहीं बनाया कि उनके साथ ही वो रहे, चूंकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे या कुछ पदों से भी वो बकरित रहे करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार थी। तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त हुई, 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। 1998 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य के विधेयक को पेश करने की, उस समय काफी हंगामा हुआ उन सबों के समय का। अगर आपको आजकल तो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, आप लोग देख सकते हैं किन किन लोगों ने उस समय हंगामा किया। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर अलग राज्य बनेगा, और फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और उस सरकार में भी अटल जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ। भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।